हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। उम्मीद करती हूँ आप सभी हैप्पी पॉजिटिव लाइट फील कर रहे होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज सुबह क्या है, क्या है उनका मॉर्निंग एनर्जी, अर्ली मॉर्निंग उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, प्लान्स क्या है आपके लिए, पॉसिबिलिटीज़ क्या है दोनों के बीच होने का, यही सब चेक करने जा रहे हैं। तो चलिए रीडिंग पर फोकस करते हैं। आप फोकस अपने पर्सन पर बनाइए, सोचिए उनके बारे में, विजुलाइज आप कर सकते हो उनका नाम लेकर। इस रीडिंग को आप वॉच कर सकते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, आप सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है। तो क्या है उनकी फीलिंग्स आज सुबह, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज सुबह आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन जो करना चाहते हैं आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, ऐसा कुछ हो गया है, या जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, जो आप चाहते हो लाइफ से, लव लाइफ से, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपका एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल राइट नाउ नहीं हो पा रहा है। आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, ऐसा हो सकता है, या निगेटिव थॉट्स ना चाहकर भी आपको आ रहा है, आप डाउट करने लगे हो इस रिश्ते पर, इस पर्सन पर, कि ये कभी आएगा कि नहीं, या आएगी कि नहीं, हमारा जो रिश्ता है कभी आगे बढ़ेगा कि नहीं, बैलेंस होगी कि नहीं, आप डाउटफुल एनर्जी में हो सकते हो। तो डाउट मत कीजिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या है इनको लेकर। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन जितना भी मर्जी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, आपको भूलने की कोशिश करे, पर भूल नहीं पाएंगे, आप में अटक जाएंगे ये। अगर इनका कोशिश आज ये है, भूल रहे हैं आपको, तो ये अटक जाएंगे, ठीक है, और वापस इस पर्सन को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप इनके डेस्टिनी में हो, दोनों का डेस्टिनी साथ में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके करीब आते जाएंगे, भले आपको कॉन्टैक्ट करे या ना करे, पर इनकी चाहत होगी आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, फैमिली बनाने का, चाहे ये बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, इनका खुद का एनर्जी है, ठीक है, इनका खुद का एक्शंस है, पर इनकी तमन्ना ज़रूर होगी आपके साथ फैमिली बनाने का। और क्या इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं, थॉट से चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं आज सुबह क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, टावर टावर मोमेंट के बारे में सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, फाइट हुआ, आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए, जो आप दोनों का खूबसूरत रिश्ता था वो टूट गया, टूट कर बिखर गया। पहले कैसा था आप दोनों का रिश्ता, आई थिंक बहुत स्लोली प्रोग्रेस हुआ है आपके रिश्ते का, टू मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स तक आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, ऐसा हो सकता है रहा है पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत प्यार था, एक ऐसा प्यार था, कभी लगा नहीं कि दोनों सेपरेट होंगे, अलग होंगे एक दूसरे से, आप दोनों की सेम एनर्जी थी, इक्वल था एनर्जी में, ठीक है, जितना प्यार आप करते थे, जितना अट्रैक्शन आपके साइड से था, आपके पार्टनर की तरफ से भी सेम एनर्जी थी, ठीक है, अट्रैक्शन, लव, रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत, ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी किस्मत में हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, ये टावर मोमेंट आया है, ये डेस्टिनी में लिखा था, ठीक है, किस्मत में लिखा था, क्योंकि इससे क्या होगा पता है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका दिल जब टूटेगा, ये इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि ये रीडिंग में आया है आपका, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, या आप अपना वर्थ नहीं जानते, लव क्या है, ट्रू लव क्या है, लस्ट क्या है आपको नहीं पता, या आपके पार्टनर नहीं जानते, आप जानते हो आपके पार्टनर नहीं जानते, या कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डिपेंड है हर तरह से फैमिली पर, फादर पर, या पार्टनर पर, कि वो खर्चा चलाए, वो जिम्मेदारी उठाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली या मेंटली इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है, और जब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, वापस से आप दोनों साथ में आ जाओगे, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आपका एनर्जी ऐसा होता है ना कि कब हमारा यूनियन होगा, रियूनियन होगा, मैं आपको बता देती हूँ, जब तक आप
इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। ठीक है, आप सीख गए हो, अगर आप हर तरह से, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हील हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो हर तरह से, आपके साइड से कोई ब्लॉकेजेस नहीं है आप दोनों के बीच, तो हो सकता है आपके पार्टनर के साइड से है। ठीक है, आपके पार्टनर डिपेंड हैं किसी पर, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इस पर्सन को अपने पैर में खड़ा होना है, सक्सेस चाहिए इस पर्सन को, या प्यार को समझना है इस पर्सन को, स्टैंड लेना होगा। ठीक है, स्टैंड देखिए आ रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी लेकर, पर स्लो प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज ये आ रहा है, आपके रिश्ते में प्रोग्रेस ज़रूर होगी बट स्लोली होगी। ठीक है, तो आज सुबह आपके पार्टनर सोच रहे हैं, टावर मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच कितना फाइट हुआ, क्या हुआ, सबके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले आप दोनों के बीच कितना प्यार था, कितना डेडिकेटेड थे, समर्पित थे आप दोनों एक दूसरे को लेकर। इनको आपको प्रपोज करने में काफ़ी टाइम लगा, ये आपको पसंद करते थे पहले से, आपसे पहले से भी इस पर्सन ने आपसे प्यार किया, आपको पसंद किया, और इनको टाइम लगा आपको प्रपोज करने में, अपने दिल की बात बताने में। 2 महीना लग गया, 2 साल लग गया, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट किया, पर उसके बाद टावर मोमेंट आ गया, कन्फ्यूज़न है और राइट नाउ, पर इस पर्सन का दिल कहता है आपकी ओर बढ़े, पर कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है राइट नाउ। और क्या इनकी फीलिंग्स आज सुबह, यूनिवर्स मुझे बताएं, आज सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है अपना बहुत ही ज़्यादा रूड हो, डोमिनेटिंग हो, या काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, आपके साथ बैलेंस बनाना रियल में इस पर्सन के लिए मुश्किल होता है, हो रहा है, या तो हुआ था। और अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच। ठीक है, जो नहीं चाहते आप दोनों साथ में आओ, मदर हो सकते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, या कोई और हो सकते हैं। ठीक है, पर कोई तीसरा पार्टी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसका इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। इनको ये भी लगता है अगर ये आपके पास आते हैं तो बिल्कुल आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए रहेगा, कितना देरी क्यों हुआ, अब क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, कितना टाइम के लिए आए हैं, परमानेंटली आए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, क्या है इनकी एनर्जी, वो तो आपको जवाब देना होगा इस पर्सन को, ये इनको पता है। बट राइट नाउ ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, आपके सवालों का जवाब दे, इस एनर्जी में नहीं है। इस वजह से भी ये पर्सन देरी कर रहे हैं बातचीत करने में, आपके पास आने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा मंगोगे, चाहोगे क्लैरिफिकेशन आप चाहोगे, और इनको देना पड़ेगा, जो कि रेडी नहीं है, आपके सवाल के जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। आपको जो आप चाहते हो, जो आपका एक्सपेक्टेशंस है, या ये खुद जानते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आते हैं तो अगर खुद को राइट प्रूफ नहीं कर पाते तो निकाल दोगे आप, तो उससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम ले, बेटर सोचे, कुछ बेटर प्लान्स के साथ आए, ये ज़्यादा बढ़िया है। आएंगे तो क्लैरिटी लेकर ही आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर ही आएंगे, शादी लेकर ही आएंगे, कुछ बड़ा ऑफर लेकर ही आएंगे, यूं ही नहीं आएंगे। इन्होंने सोच रखा है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आशु का। ठीक है, क्योंकि आई थिंक आपको ये चाहिए, सिंगल मदर भी हो सकते हैं आप, या तो ये पर्सन, तो शादी आपको चाहिए या तो इस पर्सन को चाहिए। ठीक है, और ये लौटेंगे तो यही लेकर ही, ऐसे ही नहीं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है आज के दिन, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके बीच होने का, क्या हो सकता है। मुझे इंतज़ार दिखाई दे रहा है, वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर कोई एक पर्सन यहाँ पर रेडी नहीं है, आप नहीं हो, या तो आप रेडी नहीं हो इस रिश्ते के लिए, या तो ये पर्सन नहीं है, या तो इनको ऐसा लगता है कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस पर्सन को आपकी तरफ से साइंस चाहिए। ठीक है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमें चाहते ही नहीं अपने लाइफ में। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ, या जाता हूँ, जाती हूँ, तो वो टोटली ना कहेंगे, वो इनकार करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसा आपके पार्टनर का थॉट्स है। तो इनको बताना पड़ेगा, इनको साइंस देना पड़ेगा कि आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि इनको आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आप इनको नहीं चाहते। ठीक है, तो मुझे इंतज़ार दिखाई दिया है, स्ट्रक्चर सिचुएशन है,
बैलेंस ज़रूर होगी आपके रिश्ते में, आपका रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, बट राइट नाउ स्टक है, आप दोनों एक दूसरे में अटके हुए हो, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हो, अटके हुए हो, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ आपने सरेंडर किया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया है, आपके प्यार के बलि चढ़ा दिया है, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व ये हो सकते हैं, तो इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया है, ठीक है, भगवान पर छोड़ा इस पर्सन ने, जो भी होगा यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, जो भी हो रहा है उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे जो भी होगा उनके ही मर्ज़ी से होगा, ठीक है। पर आपकी पर्सन ज़रूर बढ़ेंगे, आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, कई सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आपको आज ही मिलेगी, 8 घंटों के अंदर, 8 मिनट के अंदर या 8 डेज के अंदर आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगी। वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जिनके साथ आपका फाइट हुआ था, रिश्ते का एंड हुआ था, पेनफुल ब्रेकअप रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया, कुछ ऐसे बातें शेयर की जिससे दोनों ही हर्ट हुए, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, वो पर्सन मुझे रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो, तो आज हो रहे हैं कुछ लोग आपसे मिलने को आ रहे हैं, या तो कुछ सॉलिड आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को कोई रोकने टोकने वाला है, थर्ड पार्टी है, पर ये पर्सन किसी का नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। भगवान पर भरोसा करके लिप ऑफ फेथ के साथ ये पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं विथ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं पर एंड करके आने ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे।